Mira, escucha esto que habla Daddy. Wow, mira que le llama a mí. Wow, so delicious. नहीं तभी तो चार्ज पे लगा 2%। ये इसको पता है गरम करना चाहिए था। कोई बात नहीं, ठंडा ही खा लो। ओह माय गॉड, मम्मा खा के देखे एक बाइट। गर्म करता तो और ही यम्मी लगता। बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल क्वालिटी अच्छा लग रहा है। इजी यम्मी। यस। और नीरव क्या बोलेगा फिर मम्मा को? थैंक यू मम्मा। थैंक यू। एक बार डैडी को देते हैं। आज क्या पढ़ाया मैम ने? बुक पढ़ा। बुक में क्या? तीत दिखा चिकू। नीचे का तो ऊपर का, चीक का तीत, क्यूटी क्यूटी। चीकू को ऐसे गाइस बहुत ज्यादा मजा आता है। चीकू कितना मजा आता है ऐसे प्यार कराने में। मजा आता है। चीकू को भी दे दो थोड़ा सा वन बाइट। दो मुंह में खा रहा है वैसे। लंच करने आज मैं बहुत ज्यादा मेरा बिजी था। आज काम वाली भी आई तो काम नहीं करी क्योंकि हम लोग को बाहर निकलना पड़ा। मैं 12 बजे तक उसका वेट कर रही थी। हम लोग तैयार होकर डस्टिंग वगैरह सब कुछ करके मैं रेडी थी कि वो आ जाए और फिर हम बाहर निकले, क्योंकि आने के बाद हमारे पास 1 घंटा भी नहीं था। नीरव को पिकअप करने भी जाना था हमें, तो मुझे एक्चुअली लिपस्टिक जो है उसका शेड सेम आ गया था, तो उसको रिटर्न करने जाना था। जहाँ से मैं ग्रॉसरी लेती हूँ वेस्टेज से, तो वहाँ से मैंने सेम शेड ले लिया था, 001 प्लम टार्ट ऐसा करके था, काफ़ी अच्छा शेड था वो ऑलरेडी था। तो फिर मैं दोबारा सेम शेड लेकर क्या करती हूँ, इसलिए मुझे उसको वापस करने जाना था, तो वो मैं वापस करने गई थी, तो इसी वजह से लेट हुआ। और आने के बाद मुझे फिर झाड़ू ही लगाई, डस्टिंग वगैरह हो चुका था, मैं सिर्फ झाड़ू लगाई और अपना फिर कुकिंग में लग गई। तो मेरा करी बहुत ज़्यादा खाने का मन था और आज मैं बहुत सारा हमारे सामने ही, मतलब थोड़ा आगे जाके जहाँ पर नीरव के लिए, मतलब नीरव का बस आता है, वहाँ से मैं कढ़ी पत्ते तोड़ के ले आई। चंडीगढ़ की ये बहुत अच्छी खास बात है, स्पेशली जहाँ जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं तो कढ़ी पत्ता लेके आ जाती हूँ तोड़ के। पहले मुझे पता नहीं था, पर जब से नीरव को छोड़ने गई वहाँ पर, तो एक दिन आते टाइम मुझे लगा कढ़ी पत्ता, स्मेल करके भी थोड़ा लगा, फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा और खाने में डाला कढ़ी पत्ता ही था। तो आज कढ़ी बहुत यम्मी बना है। इस टाइप के कढ़ी मुझे अच्छे लगते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग को कफ कोल्ड है, मुझे ज़्यादा नहीं, मेरे हस्बैंड को बहुत दिनों से है। दिल्ली में गए थे, दिल्ली का पोल्यूशन ना लेकर आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, केजरीवाल इस चक्कर में अभी और इवन कर रखा है, जिस वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, बट आई एम हैप्पी। मुझे क्या क्या रीरव क्या किया, क्या बनाया? ये तो बिल्डिंग तो नहीं लग रहा, इससे पहले वाला बिल्डिंग लग रहा था नीरव का, ये तो नहीं लग रहा बिल्डिंग। चलो उठाओ सारे टॉयज, खाना खाना है, चलो। ये इसको हम लोग बोलते हैं कचरी वाला कढ़ी, जिसमें प्याज, हरी मिर्च और ये कसूरी मेथी कड़ी पत्ता डाल के मैंने बनाया था कचरी, और कर्ड डाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ खाने से राइस के साथ। ये मतलब इतना स्पेशल नहीं दिख रहा, टमाटर भी डाला है, बट टेस्ट बहुत लाजवाब होता है गाइस इसका, बहुत। ए दोनों खेलो। अरे यार, तो भाई को भी खिलाओ, भाई को भी तो खिलाओ दोनों। क्या बनाना है? हाउस। तो
तो हाउस बनाओ ना खुद से आप। चीकू को भी तो देर था, उसको साथ खेलना चाहिए आपको। दोनों भाई साथ में खेलते ना, तो ऐसे को ऐसे कौन खेलता है। अच्छे बेटा प्लीज सारा उसमें रखो ना। तो गाइस मैं जो लिपस्टिक का कहती एक्सचेंज करवाने गई थी, तो इसको एक्सचेंज करवा कर मैंने ये वाला लिया है जो अभी मैंने लगाया। हाँ जी हाँ जी बताओ। हाउस का घर बनाओ। तो हाउस बनाओ ना आप घर। तो मैं क्या करूँ, आप बनाइए ना बेटा। क्या हाथ से? तो खुद से बनाओ। तो यही वाला गाइस लिपस्टिक जो है मैंने एक्सचेंज करवाया, ऐसा दो ले लिया था मैंने। हाँ जी एक पहले लिया था एक आज ले। हाँ जी आप खुद से बना सकते हो ना नीरव, खुद से बनाओ आप। आप बनाओ फिर मम्मा चेक करेगा कि कैसा आपने हाउस बनाया। तो ये शेड है जो मैंने लिया है 023 स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर तो ये थोड़ा इस टाइप में लाइट रेड नहीं था मेरे पास इसलिए मुझे लिपस्टिक का इतना शौक है गाइस, मैं सोच रही हूँ कभी अपना लिपस्टिक कलेक्शन दिखाओ जो कि मैंने आज तक नहीं दिखाया। और मेरे पास न्यूड शेड भी काफ़ी सारे हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊं। और लिपस्टिक 655 में आई थिंक मुझे मिला है, या तो डिस्काउंट करके मिला है। सो मुझे ये शेड भी बहुत ज़्यादा गाइस, आप ऐसे पार्टी में ऐसे कहीं किसी फंक्शन में आप पहन कर जा सकते हो इसको। बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है इसका, है शेड नंबर 01 प्लम टार्ट। बहुत प्यारा शेड है। और ये तो रेड अलग है, ये वाला रेड मेरे पास नहीं था, मेरे पास थोड़े डार्क रेड में है, मरून में भी बहुत सारे, तो मुझे अच्छा लगा ये रेड। क्या हाउस का घर बनाओगे? हाउस भी बोल रहे हो आप, घर भी बोल रहे हो, ये कौन सी बात हुई? हाउस बोलो ना, एक चीज बोलो, हाउस बनाओ। नहीं ऐसे नहीं करते बेटा, गंदी कैमरा स्टार्ट होते ही इसका नॉटीनेस बढ़ जाता है। सो अभी जस्ट हम लोग आए रनिंग करके, नीचे ही थी मैं, ज्यादा दूर नहीं गई, इसके डैडी गए हैं दूर। तो सब कुछ आने के बाद थोड़ा फैला रहता है, तो पहले अरेंज करती हूँ फिर कुकिंग करना शुरू करती हूँ। नीरव का डैडी, नीरव का डैडी कहाँ गया? अभी आप देख सकते हो सारा नीरव ने समेट दिया है ये वाला दरी। हम नीचे बिछाते हैं क्योंकि ये दरी बहुत बड़ा है, तो पूरा जो फ्लोर है वो बिल्कुल घेर देता है इससे, तो दोनों बच्चे ताकि यू नो खेलते रहे, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहूँ, ठंडा ना लगे। हालांकि ध्यान उसको एनी टाइम कोशिश करती हूँ कि सॉक्स पहना के रखूँ। गुड जॉब नीरव, वेरी गुड, ओके ओके रख क्या। ओ माय गॉड देखो अब रखने गया है अपना शूज, घर से कहीं से बाहर आने से पहले उसका काम है शूज खोलना। और मैं भी अपना शूज पहले खोल लूँ, उसके बाद मैं जैकेट खोलूँगी क्योंकि इतनी गर्मी लगने लगी। ठंडी है अभी घर में, लेकिन ये जैकेट पहन के आप नहीं जा सकते हो, इतनी गर्म होती है। अब जा रही फटाफट से करने कुक। ओ माय गॉड पनीर तो मैं नीचे छोड़ के आ गई। वन बस हो गया बेटा।